नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा कंसोलिडेट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ पे कितना सीट है, सीट वन है और सीट वन में कुछ डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे सीट टू दिया हुआ है, यहाँ पे भी कुछ आपको डेटा मिल रहा है और यहाँ पे जो है सीट थ्री है, इसमें भी कुछ डेटा है। इस वीडियो के माध्यम से हम क्या करेंगे, ये तीनों सीट का डेटा जो है वन सीट में कन्वर्ट करेंगे और वन सीट से जो है उसका जो है एनालाइज समरी तैयार करेंगे। ठीक है, जिसकी मदद से आप जो इस डेटा में पाइवट टेबल लगाएंगे, उसका समरी निकालेंगे, आप उसको जैसे चाहे इसका पूरा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो वही हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में, क्या है नहीं है पूरा डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करता है, मैं इस सीट में जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑल्ट डी प्लस पी, इस ऑप्शन का यूज करेंगे और इस सीट का जो है पूरा समराइज डेटा जो है हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो आप पाइवट टेबल लगाते हो तो पाइवट टेबल यहां से लगाते हो, आज जो पाइवट टेबल लगाऊंगा मैं कुछ अलग तरीका से लगाऊंगा। क्या तरीका है वो देखिए, सबसे पहले मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट प्लस डी, क्या प्रेस करूंगा, ऑल्ट और डी को मैं एक साथ प्रेस किया। ठीक है, अब जैसे ही ऑल्ट और डी को एक साथ प्रेस किए तो देखिए यहां पे जो है क्या है, ऑफिस एक्सेस की ऑल्ट एंड डी। ठीक है, इतना आ गया, इतना आने के बाद अब क्या करो, अब जो ये पी है आप जो है पी को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आप जैसे ही ऑल्ट डी पी प्रेस किए तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे जो है पावर टेबल का एक नया पॉप ऑफ विंडोज आ गया है। ठीक है, जब ये विंडोज आ जाए इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद क्या करना, मुझे जो है ये तीनों सीट का डेटा एक साथ सेलेक्ट करना है और उसको जो है पावर टेबल में यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मल्टीपल कंसोलिडेट रेंज। ठीक है, तो आप जो क्या करो, ये मल्टीपल कंसोलिडेट रेंज में सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन को जाइए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में आता है आपको क्रिएट ए सिंगल पेज फील्ड फॉर मी, ओके। दूसरा होता है आई विल क्रिएट द पेज फील्ड। तो सबसे पहले दोनों ऑप्शन में बताने जा रहा हूं, पहला ऑप्शन फर्स्ट देखता हूं क्या है। आप जब फर्स्ट ऑप्शन देखते हो और इसको नेक्स्ट कर रहा हूं तो यहां पे आपको जो है रेंज पूछा जा रहा है, तो रेंज आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा रेंज चाहिए। ठीक है, आप सेलेक्ट करके फर्स्ट सीट पे जाओ और यहां पे जो भी रेंज है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, इतना सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पे क्या कर दो, ऐड। तो फर्स्ट सीट जो है ऐड हो चुका है यहां पे, उसके बाद नेक्स्ट सीट भी ऐड करना है मुझे, तो आप जो है नेक्स्ट सीट का डेटा सेलेक्ट कीजिए। देखिए रेंज क्या है, रो, नंबर ऑफ रो, कभी ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके पास कितना डेटा है। यहाँ पे जो फर्स्ट रेंज था वो कितना ही तक था, इसमें एक रो ज्यादा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा रो जितना है सभी को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जो है इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ओके, जैसा ही ऐड किया, अभी मुझे एक और सीट है यहाँ पे, थर्ड सीट है, इसको भी ऐड करना है, तो आप थर्ड सीट पे जाओ, इसमें देखिए और भी ज्यादा रेंज है। ठीक है, तो आप पूरा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, जितना भी डेटा है आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी ऐड कर दिए। अभी देखिए इतना होने के बाद अब क्या करना है। ठीक है, इतना हो गया, थ्री सीट को ऐड कर दिए, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है, मैं नेक्स्ट ऑप्शन में जाऊंगा। नेक्स्ट ऑप्शन जैसे ही किए तो आपके पास जो है नया विंडोज आ गया। अभी क्या पूछा रहा है, आपको जो है न्यू सीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग सीट में चाहिए। न्यू में चाहिए तो आप न्यू करो, एग्जिस्टिंग चाहिए तो एग्जिस्टिंग में करो, जहां भी चाहे आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कर दीजिए इसको फिनिश्ड। जैसे ही फिनिश्ड किए आपका काम हो गया, यहाँ आपका जो है रिपोर्ट जो है ऑलरेडी बना बनाया रेडी हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो आइटम्स नेम आ गया, कितना ऑर्डर क्वांटिटी था वो आ गया। ठीक है, और ग्रांड टोटल है वो आ गया, सब का जो है समराइज रिपोर्ट जो है आपके पास जो है ऑटोमेटिक रेडी होके आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ग्रांड टोटल कितना है, कौन सा आइटम्स है, उसका क्या क्वांटिटी है, ऑर्डर क्वांटिटी कितना है। ठीक है, तो आपका जो सीट में क्या था, आइटम्स था, ऑर्डर क्वांटिटी था, आइटम्स और उसका ऑर्डर क्वांटिटी, आपको पूरा समराइज डेटा यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इतना होने के बाद अभी देखिए और एक काम, अभी कितना दिखा रहा है यहाँ पे,
20,745 ग्रांड टोटल लगा देखे। तो यहाँ पे क्या है, पेज, पेज में क्या है, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ। यहाँ देखिए आइटम्स वन है, आइटम्स टू है, आइटम थ्री है। अगर आइटम वन को ओनली सेलेक्ट में कर रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ, देखिए इस सीट में जो ओनली आइटम्स वन दिखा रहा है, यहाँ पे अभी ग्रांड टोटल कितना मिल रहा है 5,167। यहीं पे आप ऑल कीजिए, ठीक है, इसको ओके कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइटम्स वन क्या है, आइटम वन, आइटम टू, आइटम टू, ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। आप जो सीट सेलेक्ट किए हो, फर्स्ट सीट, सेकंड सीट, ये थर्ड सीट, ये ही उसी का जो है ये नंबर यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूं कुछ और, ठीक है। ये तो बात हो गई जो कि एक तरीका से मैंने बताया, और दूसरा क्या कर सकता हूं इसमें, ठीक है, इसमें और क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया किया था ऑल्ट डी पी, ठीक है, ऑल्ट डी पी का यूज किया। चलिए मैं एक बार और करके दिखाता हूं। ऑल्ट सबसे पहला क्या काम किया, ऑल्ट और डी को एक साथ प्रेस किया, ऑल्ट और डी को एक साथ प्रेस किया। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो इस टाइप का एक मेन्यू आ जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या प्रेस करना है, पी। आप पी जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पे पिवट टेबल का ओल्ड वर्सन वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहां आने के बाद मुझे क्या करना था, कंसोलिडेट मल्टीपल रेंज, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट में वाले जो मैं अभी जो ये डेटा बना के दिखाया उसमें क्या बना के दिखाया, यहां पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अभी क्या करना है, आई विल क्रिएट द पेज फील्ड, मैं यहां पे ये सेकेंड वाला ऑप्शन लेके चलता हूं और देखता हूं क्या है। ओके, सेकेंड वाला ऑप्शन पे जाऊंगा और नेक्स्ट करूंगा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन पे जैसे ही गया तो आपको जो इस टाइप का एक न्यू विंडोज आ गया। अभी फिर से वही बात, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, ये रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, इसको ऐड कर दिया। सेकेंड सीट भी सेलेक्ट कर रहा है, आप सेकेंड सीट भी सेलेक्ट कर लो। ओके, इसको भी ऐड कर दिया। थर्ड सीट भी सेलेक्ट करना है, आप थर्ड सीट भी जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और इसको कर दीजिए ऐड। ओके, इतना होने के बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है पेड सेट है, हाउ मेनी फील्ड यू वांट, मैं चाहता हूं कि वन फील्ड आए। ओके, वन फील्ड, वन फील्ड में क्या है, फर्स्ट फील्ड में ये जो डेटा है सीट वन का, सीट वन का है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सीट वन। ओके, ये डेटा कौन सा है, सीट टू का, यहाँ पे नाम दे रहा हूं सीट टू। और ये जो थर्ड डेटा है कौन सा सीट का है, सीट थ्री, सीट थ्री। तीनों को मैंने ऐड कर दिया, तीनों का नामांकन कर दिया हूं और इसको कर देता हूं नेक्स्ट। ठीक है, जैसे नेक्स्ट पूछ रहा है तो पूछा जा रहा है एग्जिस्टिंग में चाहिए या न्यू चीज में, न्यू में चाहिए, इस बार मैं न्यू में करके दिखता हूं। ठीक है, न्यू सीट में जा रहा हूं और इसको कर रहा हूं फिनिश्ड। देखिए ये जो है न्यू सीट में जो है वही डेटा जो है उसी टाइप का जो है टेबल आपको रेडी हो गया है, ऑटोमेटिक आपका पूरा समराइज डेटा यहाँ पे दे रहा है। अभी देखिए दोनों टेबल में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, अंतर आपको क्या मिलेगा, यहाँ जो पेज नंबर वन था यहाँ पे और लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, आपको किसका डेटा चाहिए, सीट वन का डेटा चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ सीट वन का डेटा मिलेगा। सीट टू का चाहिए, आपको सीट टू का, सीट थ्री का चाहिए, ओके सेलेक्ट कर लीजिए सीट थ्री, यहाँ पे जो है आपको सिर्फ सीट थ्री का ही डेटा। लेकिन इससे पहले जो मैं पिवट क्रिएट किया था, यहाँ देखिए इसमें क्या था, यहाँ पे जो है आप नामांकन नहीं किए थे तो आइटम वन आइटम टू करके यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए ये तो बात हो गई डेटा कंसोलिडेट की, हमने पिवट टेबल लगाया, डिफरेंट डिफरेंट सीट को जो है जोड़ के एक साथ जो है उसका एनालिसिस रिपोर्ट जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक रेडी किया। ये बात हो गई हमने किस तरह से किया, इसमें कुछ मैं और भी एडवांस बताता हूँ। अगर मुझे चाहिए, अगर मुझे चाहिए 1, 2, 3 सीट का डेटा, ये तीनों सीट का डेटा क्या चाहिए, ओनली वन सीट में चाहिए, ओनली वन सीट में चाहिए, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए बहुत सारा फार्मूला है, बहुत सारा वीवीए है, कॉपी पेस्ट है, उतना दिमाग पच्चे नहीं करने का, मैं आपको फ्री का सटीक तरीका बता रहा हूँ वो करने का।
यहाँ जो ग्रांड टोटल है ना, आपने यहाँ पे जो है इसको क्या करो, ऑल कर दो, इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ऑल है, और यहाँ पे जो ग्रांड टोटल आया ना, बस आप इस ग्रांड टोटल पे जो है ना डबल क्लिक कर दो। ये देखिए क्या मस्त वाली बात हो गई, आपका जो ये तीनों सीट का डेटा है ना, ये तीनों सीट का डेटा यहाँ जो ऑटोमेटिक आ चुका है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो हमने 1, 2, 3 सीट का डेटा जो है आपको 1 सीट में जो है ऑटोमेटिक आ गया। कैसे लाया, क्या किया, आपको पता चला। देखिए सभी सीट का डेटा है यहाँ पे, सीट 1, सीट 2, 2, सीट 3, सीट 1 सभी डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। ओके, तो किस तरह इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हम किसी सीट का जो है, मल्टीपल सीट का जो है डेटा को किस तरह से कंसोलिडेट करेंगे, और पिवट टेबल का एक ऑटोमेटिक समराइज एनालाइज रिपोर्ट रेडी करेंगे। ठीक है, और किस तरह से करेंगे, क्या है नहीं है, मैंने पूरा डिटेल में बताया हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।